शिक्षक भर्ती मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के प्रति लोगों में नफरत बढ़ती जा रही है। उनके प्रति लोगों में बढ़ रहे क्रोध की जीती जागती तस्वीर आज देखने को मिली। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी पर आज एक महिला ने चप्पल फेंक दी और कहा कि ये नेता लोग जनता का पैसा लूट रहे हैं। ये घटना तब सामने आई जब पार्थ ईएसआई अस्पताल से मेडिकल जांच करवाकर बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान महिला उन पर चप्पल फेंक मारी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सादे हरे रंग की साड़ी पहने महिला काफी देर तक ईएसआई अस्पताल के बाहर खड़ी थी। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वह पार्थ चटर्जी का इंतजार कर रही हैं और उन पर हमला करेंगी। पार्थ चटर्जी को देखते ही वो उनकी तरफ बढ़ी और पूर्व मंत्री चटर्जी पर अपनी चप्पल फेंक दी। ये घटना तब सामने आई जब पार्थ मेडिकल जांच के बाद ईएसआई अस्पताल से बाहर आ रहे थे। पूर्व मंत्री पर चप्पल फेंकने के बाद महिला ने कहा कि चप्पल की मालाओं से इनका स्वागत होता तो और अच्छा होता। महिला ने कहा कि वह बेरोजगारी और एसएससी भ्रष्टाचार की स्थिति से नाराज हैं। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि चप्पल पार्थ को लगती तो वो ज़्यादा खुश होती। इधर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पार्थ चटर्जी पर चप्पल फेंके जाने पर कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस तरह से लोगों ने इनके खिलाफ नाराजगी है, आने वाले दिनों में गली गली में इनके नेताओं के खिलाफ लोग चप्पल फेंके तो आश्चर्य नहीं होगा। बता दें कि करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से कथित तौर पर संबंध दो और फ्लैट तथा एक दुकान में छापेमारी की। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने दक्षिण कोलकाता स्थित दो फ्लैट में भी छापेमारी की। इनमें से एक फ्लैट पंडितिया रोड और दूसरा मुदरदाहा में है। इसके अलावा शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित एक नेल आर्ट शॉप में भी छापेमारी की गई। गिरफ्तार किए गए मंत्री पार्थ चटर्जी पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि चटर्जी ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया है। ईडी अधिकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए नेता पार्थ चटर्जी पूछताछ के दौरान ज्यादातर वक्त चुप रहे। चटर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि वह साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने खुद को निलंबित करने के टीएमसी के फैसले पर नाखुशी भी जताई थी। ईडी अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि वह गिरफ्तारी के बाद से ही सहयोग नहीं कर रहे हैं। चटर्जी अक्सर थकावट की शिकायत करते हैं और सवालों के जवाब देने से भी बचते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।